Hey guys and welcome back to my channel. I am Aram और यस आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आ चुका हूँ. आज हम देखेंगे प्रॉक्सीज कैसे यूज करेंगे, होती क्या है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, वेलकम बैक. सो प्रॉक्सीज होती क्या है, राइट? प्रॉक्सीज ये होती है कि आप कोई भी आपकी हैवी फाइल को लाइट फाइल में कन्वर्ट करके एडिट कर सकते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करें तो वही सेम फाइल हो, सेम क्वालिटी हो, बस कोई भी चेंज ना हो, बस आपके एडिटिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा. सो ये प्रॉक्सी क्यों आया, क्यों इन्वेंट किया Adobe Premiere Pro ने? एक्चुअली शायद तक आई डोंट नो, बट यस आई थिंक सारे सॉफ्टवेयर में आई थिंक ये प्रॉक्सी का ऑप्शन होगा मोस्टली. अगर नहीं हो या मेरे ख्याल से होना चाहिए उसके अंदर. Adobe Premiere Pro ने क्यों इन्वेंट किया? बिकॉज जैसे लेट्स टेक मी एज अ एग्जांपल, मेरे पास पहले एक वाइट कलर का कंप्यूटर था, जैसे आप लोगों ने देखा है. नहीं देखा है तो यहाँ पे फोटो आ रही, चेक कर लेना. ओके, सो ये आपने देखा होगा और इसमें ग्राफिक कार्ड है ही नहीं, तो पीसी है तो चल रहा था मेरा Premiere Pro. उसमें तो होता ये था कि कोई भी सिंपल वीडियो भी मैं लूँगा तो मुझको एक बार उसको रेंडर करना पड़ेगा. एक और चीज़, हाँ, ये जो प्रॉक्सी है ये आपकी रेंडरिंग प्रोसेसेस को थोड़ा कम करता है. ओके, अगर आप कोई भी फाइल ले ना, जैसे उसी एग्जांपल पे आप फिर से आते हैं, कंप्यूटर था तो उसमें मेरे पास वीडियो जो भी लेता था उसको रेंडर बार बार करना पड़ता था. फिर मैंने सर्च किया कि क्या होता, क्या है, क्यों होता है ये. फिर इसका मैंने सोल्यूशन निकाला तो देखा था प्रॉक्सी की मैंने दो तीन वीडियो देखी तो समझ आया कि हाँ, प्रॉक्सी से अपनी फाइल हैवी से लाइट हो जाती है ओनली एडिटिंग के वक्त, बाकी उसके बाद सेम क्वालिटी ही रहती है, सेम साइज रहती है. सो कैसे परफॉर्म करेंगे एक बार वो चेक कर लेते हैं अपन. तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो मैंने यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना रखा है, एकदम प्योर न्यू. राइट क्लिक करूँगा मैं प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर, प्रोजेक्ट बार के अंदर एक्चुअली, और राइट क्लिक करके इम्पोर्ट कर दूंगा. आप कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे मैं लूँगा बॉय और जगुआर वाली, कोई भी ले लो. एक और चीज़, ये फाइल्स लाइट वेटेड है तो कोई भी हैवी फाइल में ये होता है. वैसे आपको सिखाने के लिए मैं लाइट वेटेड ली है जिससे थोड़ा सा मेरा भी काम इजी हो जाए, तो जल्दी हो जाए वीडियो ओवर. ओके, क्या करेंगे अपन, पहले तो इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता. ओके, इन दी सीक्वेंस दो वीडियो इसलिए ली क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ है. सिंगल भी आप प्रॉक्सी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं हुआ. ओके, सो ये दो वीडियो है. ओके, अरे ये क्या हो गया, ये अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज अपनी सीक्वेंस सेटिंग्स जो कि अपनी अगली वीडियो आने वाली है, तो मैं आपको उसका हल्का सा हिंट दे देता हूँ. मैं सीक्वेंस सेटिंग्स ये होती है कि आपकी जो पहली वीडियो है उसके हिसाब से आपकी सीक्वेंस बनती है. ड्रैग एंड ड्रॉप किए मैंने, ये तो मैंने कस्टमाइज करके सीक्वेंस बनाते हैं जैसे आपको बताया था मैंने. तो यस वही है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके पहले जगुआर वाली वीडियो है तो जगुआर वाली वीडियो का सीक्वेंस सेटिंग्स ले लिया. क्या जगुआर वाली की क्या वीडियो सेटिंग्स है जगुआर वाले वीडियो की, तो मैं राइट क्लिक करके एक बार प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊंगा इसकी. ओके, और जिसकी इमेज साइज़ है वो है 3840x2160 जो कि है 4K. और ये अगर मैं बॉय वाली वीडियो में जाऊं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे देखूँ तो ये 1920x1080 है. ये 1080p, पी मतलब पिक्सल्स, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो क्या करेंगे अपन, या तो अपन जगुआर वाली वीडियो को 1080p बना ले या बॉय वाली वीडियो को 4K बना लूँ. एक काम करते, बॉय वाले वीडियो को 4K बना देते, ज़्यादा काम नहीं होगा. इफेक्ट्स कंट्रोल में जाता हूँ, यानी तो आप विंडो में जाके इफेक्ट्स कंट्रोल में जा सकते हैं, ये रहा, या शिफ्ट प्लस 5 प्रेस कर सकते हैं. ये हो गया. अब मैं जो इसकी स्केल है इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको तकरीबन 200% में कर रहा हूँ. हो गया, ये सेटेड है, ये हो गया. अब क्या करेंगे अपन, वापस प्रोजेक्ट वाले में जाएंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू में, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गीत सी ये जो आइकन है ये वीडियो का, ये दो आइकन है, ये वीडियो का है जैसे कि आपको बताया है और ये ऑडियो का, पर ये जो आइकन है सीक्वेंस का, सीक्वेंस अपन लेंगे प्रॉक्सी के लिए. अपन लेंगे दोनों वीडियो, राइट क्लिक करूँगा मैं और उसमें जाऊँगा प्रॉक्सी के अंदर, यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट प्रॉक्सीज, ये मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्रिएट प्रॉक्सीज वाला आ चुका है. सोर्स डिफॉल्ट रहता है, प्रीसेट फॉर्मेट के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे क्विक टाइम आता है, जैसे आपको क्विक टाइम ही लेना है, बेस्ट सेटिंग्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और या S.264 भी है, दोनों चलेगा बट मेरे हिसाब से क्विक टाइम ज़्यादा बेटर है. प्रीसेट के अंदर प्रोरेस लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सी, अगर किसी के मीडियम आ रहा तो प्लीज़ उसको मीडियम ले लें, तो हो सके उतना लोअर है प्रोरेस के अंदर ही, है ना, प्रोरेस नॉट सिनेफॉर्म नॉट DNX HR VR. ओके, ये हो गया प्रीसेट भी अपना.
है ना। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन में देखे, डेस्टिनेशन के अंदर देखे, यहाँ पे दो ऑप्शन जा रहे हैं, नेक्स्ट टू ओरिजिनल मीडिया इन प्रॉक्सी फोल्डर। क्या करना है, क्या बोल रहा है, जहाँ पे आपकी ये फाइल्स है उसके पास ही हम एक प्रॉक्सी का फोल्डर बना देंगे, वहीं सेव हो जाएगी। या नहीं तो यहाँ पे जहाँ पे मैं मेरी बता रहा हूँ, जहाँ पे मेरी प्रीमियर प्रो की जो फाइल्स है, प्रोजेक्ट फाइल्स है, वो जहाँ रहती है वहीं हम प्रॉक्सी का फोल्डर बनाए। अगर हम थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रहे, जहाँ पे मेरी वीडियो की प्रॉक्सी बन रही वही अपनी वीडियो की प्रॉक्सी, मतलब जहाँ पे हमारी वीडियो है वहीं हमारी वीडियो की प्रॉक्सी रहे, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ओके। क्या हुआ, अभी ये Adobe Media Encoder खुल चुका है। अब ये क्या चीज़ है, ये मेनली आपके जो आपकी वीडियो फाइल्स है उसको इनकोड करने में हेल्प करती है, स्पेशली सारे Adobe की जितने भी सॉफ्टवेयर सब में यही काम आता है। ओके, सो ये खुल जाता है, शायद अपन प्रॉक्सी बना सकते हैं। बाय द वे, जब भी ये प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो रही हो तब तक आप पीछे आपकी एडिटिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं पड़ेगा। अब ये वाली वीडियो ये करेगा, फ्रेम बाय फ्रेम ये प्रॉक्सी बनाएगा। ये हो गया, डन, क्लोज कर दो उसको, क्लोज। यहाँ अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन में जाएंगे और इसमें से ये बहुत सारे बटन्स हैं जो हाइडेड है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन से एकदम लास्ट वाला जो बटन है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, लिख रहा है टॉगल प्रॉक्सीज, ड्रैग एंड ड्रॉप और कर देंगे ओके। रीसेट लेआउट में क्या होगा कि आपके जितने भी रीसेट जो आपके डिफॉल्ट बटन्स थे वही रहेंगे, कि ये हो गया। अब से एक बार डिफरेंस देखना, ये मेरा इतना चल रहा है बिकॉज मेरे इसमें ग्राफिक कार्ड अभी इस वाले लैपटॉप के अंदर है। ओके, अगर ये मैं इसको ऑन कर दूँ इतना स्मूथ चलेगा, सी फ्रेम बाय फ्रेम ही चल रहा है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।